सो फाइनली अपनी ट्रेन भी आ चुकी है और वोट मैंने डाल दिया, काफी ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के 8 बजे और मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। और यहाँ पे क्या है कि बहुत जल्दी सुबह जाग आ जाती है। वहाँ तो ऐसा रशिया में तो ऐसा होता था कि और सो लो, पर यहाँ पे ना 8 बजे अपने आप नींद पूरी हो जाती, अपने आप आँख खुल जाए। तो आज है जी MP में चुनाव और आज सब कुछ बंद है और अभी वोटिंग भी अभी चालू होने वाली है। तो अभी मैं भी जाऊंगा वोट डालने के लिए। तो अभी टाइम है जी सुबह की चाय पीने का। तो सबसे पहले अपनी सुबह की चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं खेतों में। खेतों में थोड़ा सा काम है वो करके आके फिर चलते हैं अपन वोट डालने के लिए। सो अभी घर से आ गए हैं खेतों में खाना लेके। और पिछले ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया था ये खेत रह गया था, उधर वाला खेत रह गया गीला था। तो अभी इसको जोत दिया है और थोड़े टाइम बाद इसमें भी गेहूं की बिजाई होनी है। तो मैं आया हूँ नूर की साइकिल लेके। तो मैंने काफ़ी टाइम से साइकिल नहीं चलाई, तो भाई साहब बहुत पसीना आता है, भाई साहब बहुत मेहनत लगती है साइकिल चलाने में। सो अभी चलते हैं, अपने ट्रैक्टर चल रहा है वो सामने, वहाँ पे खाना लेके आते हैं। तो नूर जो है कि कह रहा है कि मैं ट्रैक्टर के पास ही साइकिल लेके जाऊँगा। देखो यहाँ पर रास्ता नहीं है, कह रहा है कि खेतों के बीच में से वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है वहीं साइकिल के ऊपर ही जाऊँगा। मैंने तो किसको कहा था कि वहाँ पर खड़ी कर दे, तुमने कह रहा मैं वहीं पर लेके जाऊँगा। चल जाऊंगी तो खाना सबने खा लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, मेरे को भी लग रही है भूख। अपन भी घर पे जाके खाना खाते हैं और फिर जाना है ग्वालियर। सो फिर अपन चलेंगे ग्वालियर। अभी काम अपना जो है वो कल निपट जाएगा, वैसे कुछ आधा आज निपट जाएगा और कल तक पूरी बिजाई गेहूँ की हो जाएगी यहाँ पे। सो अभी टाइम है जी खाना खाने का। खाने में रोटी, दही और सरसों का साग, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। सो पहले इसको फिनिश करते हैं और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम सभी जाने वाले हैं वोट डालने के लिए, जितने भी घर के मेंबर हैं। हमारा जो वोटिंग है वो पास में गांव है सरवा, वहां पे डलेगी। तो वहीं पे जा रहे हैं सारे वोट डालने के लिए। तो वोट मैंने डाल दिया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। सो काफ़ी 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया। सो अभी फ्री हुए हैं क्योंकि वहाँ पे 3 औरतों को अंदर जाने दे रहे थे और 1 आदमी भी। तो औरतें ज़्यादा थी तो लड़के कम थे। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ डाल के। तो अभी जा रहे हैं ग्वालियर स्टेशन पे, मनराज और भाभी जी जा रहे हैं पंजाब। तो इनकी ट्रेन है 5:30 बजे की। तो अभी ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ गया ये महाराजपुरा का टोल। अपना आ गया DD नगर और रेड सिग्नल हो गया। आई वोटिंग है तो इसके कारण बहुत कम ट्रैफिक है। लो जी रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं। हमारी ट्रेन का जो टाइम है वो 5:30 या के करीब और अभी टाइम हो रहा है 4। सो हमारे पास अभी 1.5 घंटा है, शायद पहले भी आ सकती ट्रेन, पहले भी आ सकती है। सो अभी अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं कहीं कहीं पे और अंदर चलते हैं। तो वैसे अभी ट्रेन का टाइम हो गया है, पूरे 5:30 बज गए और हम भी यहाँ पे आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा रेलगाड़ी का डब्बा है, जहाँ पे हमें जाना है। तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, करीब 10 से 15 मिनट और लगेंगे
बहुत फास्ट नहीं आ रही गाड़ी की। सो फाइनली अपनी ट्रेन भी आ चुकी है और बहुत ही स्लो है, पीछे पता नहीं कहाँ पे रुक गई थी और करीबन आधा घंटा हमें और वेट करना पड़ा। और देखो अपनी बोगी S3 यहीं पे रुकती है नहीं, और यही अपनी ट्रेन है, इसी में भाभी जी और मनराज जाएंगे अमृतसर। सुनो जी, स्टेशन से बैठा के भाभी को और मनराज को अभी जा रहे हैं घर वापस, गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है, तो अभी अपन चलते हैं सीधा घर पे। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं घर पे, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिल जाए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।